बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं बतौर हेड मास्टर इस स्कूल में काम कर रहा हूँ। यहाँ से मैट्रिक का मैंने इम्तहान पास किया और मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस स्कूल में बेहतरी के लिए काम करूँ। तो शहर के मुख्तलिफ बड़े बड़े स्कूलों से होता हुआ 2015 में मैं यहाँ पर दोबारा ट्रांसफ़र हुआ और इस वक्त मेरे साथ जो है वो स्कूल की तादाद में हमने इजाफा किया है। पढ़ाई की जो पढ़ाई है हमारी, जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर जोर दिया है और जो स्कूल की जो कम्युनिटी का गैप था, कम्युनिकेशन गैप कह लें, सोशल गैप कह लें, उसकी तरफ खास तवज्जो दी है, जिससे हमारा जो मसला है, हमारे तमाम मसाइल जो स्कूल के हैं वो फौरी तौर पर हल। मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल मांगट में डेप्टी हेडमास्टर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे 14 साल से अपने तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो एक बेहतरीन इदारा है, ये मेरा मादर इल्मी भी है और मैं यहाँ पे इंशाल्लाह कोशिश भी कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है ना वो सलाहियतें लगाऊँ। तो आवाम से भी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को यहाँ भेजे और इंशाल्लाह लजीज़ हमारा क्वालिफाइड जो स्टाफ है उनको पॉलिश करेगा और वो इल्म हासिल करके जो है ना वो बच्चे आपके मुल्क कौम की खिदमत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमसे इस अदारे से मुस्तफीद होकर अब अपना चैनल चला रहे हैं। तो इसके लिए इस अदारे का मैं भी एक तालिबिल हूँ और आप भी एक तालिबिल हैं, इस लिहाज से हम एक ही अदारे से पढ़े हुए हैं। तो मुझे 1984 में यहाँ इसी अदारे से मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल करने का एजाज़ हासिल है।
इससे पहले यहाँ पे मिडिल क्लासेस में मैं फर्स्ट आया था। तो अब जब मैं मेरे वालिद साहब भी इसी स्कूल में टीचर थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 35 साल इसकी सर्विस की है, अदारे में सर्विस की है, इस गांव में खिदमत सर अंजाम दी हैं, और उनकी रिटायरमेंट के बाद मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे इस अदारे में जो कमी कमजोरी है उसको पूरा करूँ और इसकी बेहतरी के लिए काम करूँ। तो इस सिलसिले में मुझे 2015 में यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाने का मौका मिला, शहर से मैं गांव आ गया, और इसके साथ ही जो मेरे बच्चे मुख्तलिफ़ जगहों पढ़ रहे थे उनको भी मैंने इसी स्कूल में दाखिल करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे बड़ा अच्छा असर गया अहले दे पे और हमारी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होना शुरू हो गया, और इस तरह स्कूल में जो मसाइल थे, जो बहुत रूट लेवल के मसाइल थे, उनकी तरफ खास तवज्जो दी। उसमें हमारे लिए जो मेन जो हमारा स्कूल का प्रॉब्लम ये था कि जो अहले दे हैं उनकी यहाँ पे दिलचस्पी का शिकार थे। तो मैं डोर टू डोर और मल्ला टू मल्ला भी गया, तकरीबन हर नुमाया जगह पर हर जो साहिब असीयत साहिब शऊर लोग थे इस गांव के सबका तालिब इल्म थे, उनसे मुलाकात की और अदारे की जो अदारे में जो मसाइल थे उनसे आगाह किया और उनके तआवुन की दरख्वास्त की। इससे हमारे लिए ये मुमकिन हो गया कि हमने पूरे स्कूल के अंदर टफटाइल जो है उसके लिए प्रोग्राम बना लिया, आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे, राहदारियाँ हो गई, सीवरेज का निज़ाम हो गया। फिर क्लासरूम की कमी थी तो दो क्लासरूम जो है वो भी हमने गांव की मदद से जो हमारे अहले इस तालिब इल्म के इस स्कूल के जो सबका तालिब इल्म है उनसे हमने तआवुन हासिल किया। दो कमरे तकरीबन 16.5-17 लाख के अंदर हमने बना लिए, और उसके बाद दो कमरे हमारे गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हुए, तो उससे मिला के हमारे कमरों का मसला हो गया। हमारे स्कूल में जो गर्द थी, जो कीचड़ आता था बाहर से, निशेबी इलाका था जिससे पाँव मट्टी जूतों को लगती, कमरे क्लासरूम हमारे गंदे हो जाते, उनके हमारा मसला हो गया और एक साफ़ सुथरा माहौल जो है वो दस्तियाब हुआ। साथ में हमें वाटर फिल्ट्रेशन के लिए मुहिम चलाई गई और उसके लिए हमने बच्चों के लिए साफ पीने के पानी के लिए बहुत अच्छे प्लांट्स जो हैं यहाँ पर इंस्टॉल करवाए। अब हमारा तीसरा प्लांट काम कर रहा है, इससे पहले दो प्लांट जो है वो एक्सपायर हुए, तो वो भी मुकम्मल जो डोनेशन है वो अहले दे की थी। इसके साथ हमने स्कूल के रंगो रोगन और आउटलुक पर भी हमने तवज्जो दी। पिछले साल गुज़श्ता साल में हमारा जो स्कूल है ये मंडी बहुद्दीन में मॉडल स्कूलों में खूबसूरत जो खूबसूरती के लिहाज से ये पहले नंबर पर रहा है, और इस दफ़ा हम फिर जो है ये हम रोज़ाना की बेस पे इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए दिन ब दिन इसमें कुछ ना कुछ इजाफा करते रहते हैं। हमारी जो स्कूल टीचर्स की टीम है वो बहुत अच्छी है और वो सारे लोग जो है वो बहुत अच्छी मेहनत से जाँबशानी से काम कर रहे हैं, बड़ा तआवुन करते हैं और अपने अपने सब्जेक्ट्स में महारत हासिल करते हैं। अब हमारा जो असल फोकस है, जो हमने मसाइल थे वो भी ख़त्म कर लिए, जो वसाइल हैं वो पैदा कर लिए, अब हमारा असल जो है वो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हम जा रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो सलाहियतें हैं उनको ऐसी उभारा जाए, खुद इत्मादी आ जाए और वो हमारे अदारे का नाम रोशन करें और फख्र महसूस करें कि हम इस अदारे से पढ़ के आए हैं। रहमान रहीम, मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा जी यहाँ पे एज ए डिप्टी हेडमास्टर के प्राइस सर अंजाम दे रहा हूँ। तो
2009 के अंदर मैं यहाँ पे एज ए SST तैनात हुआ था, तो अभी तक मैं इधर ही अपने तदरीसी फ़राइज़ सारे अंजाम दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा मादरे इल्मी है और मैंने पूरी कोशिश की है कि चले जो कुछ इसने मुझे दिया मैं इसको वापस लुटाऊं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक इसमें कामयाब रहा हूं। मेरे ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं कि जो अपने रोज़गार के अंदर अभी मसरूफ़ हैं, उनको जो है ना वो बाकायदा से रोज़गार मिल चुका है और अपने वालदैन का जो है ना वो हाथ पटा रहे हैं, तो इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा बताया हुआ जो लेसन है या मेरी जो नसीहतें हैं उसके अंदर मैं बड़ा खुश होता हूँ जब वो उस पर अमल करते हैं। तो इसके अलावा फिज़िकली एतबार से इस स्कूल के लिए काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। वैसे तो मतलब है कि जो किसी के लिए नेकी की जाए वो बतानी नहीं चाहिए, तो लेकिन ये मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कोशिशों से अपने स्टाफ के साथ रफाकाए कार के साथ मिल के वाटर फिल्टर प्लांट जो है ना वो स्पेशली 500 लीटर का, और जब मैं पिछले सर्दियों के अंदर अपनी कोशिशों से मैंने पूरे स्कूल को जो है ना वो यूनिफॉर्म बाकायदा दी, उनको जो है ना वो जूते लेके दिए और उसके अलावा जुराबें तक, यानी पूरे स्कूल की यूनिफॉर्म जो है ना हमने उसको मुकम्मल किया। जहाँ तक टीचिंग स्ट्रेटजी का ताल्लुक है तो मेरी एक ना दूसरे टीचर से अलग से स्ट्रेटजी होती है जो कि तदरीस के हवाले से है। मैं इतना अरसा हो गया है मुझे सर्विस करते हुए, तकरीबन मुझे 19 साल हो गए हैं, तो इन 19 सालों के अंदर जो मेरी मतलब है कि तदरीसी स्ट्रेटजी रही है वो ये है कि स्टूडेंट के लेवल के ऊपर जो है ना मैं आके कोशिश करता हूँ कि बच्चों को पढ़ाऊँ, और मेरा क्लास के अंदर जो माहौल होता है वो फ्रेंडली सा होता है। बेशक मैं एक फासला ज़रूर रखता हूँ, लेकिन कम से कम मैं इतना आम फ्रेंकली हो जाता हूँ स्टूडेंट के साथ कि अगर वो क्वेश्चन करना चाहें तो वो मुझसे आसानी के साथ कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे, वैसे तो मैं MPhil इस्लामिक स्टडी हूँ, वो मेरा सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मुझे बड़ी कमांड है। तो उसके अलावा मुझे यहाँ पे इंग्लिश दी जाती है और मुझे समझा जाता है कि आपको इंग्लिश अच्छी आती है। मेरे असातिज़ा थे इधर जो मेरे साथ काम करते रहे हैं, सजाद हसन खान साहब, इवन वो भी मुझसे, और मैं बड़ा शर्मिंदा होता था कि जब वो मुझे कहते थे कि इसका आप जो है वो मुझे बताएं कि इसका एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, बता तो देता था लेकिन तो वो समझते थे कुछ कॉन्सेप्ट इंग्लिश के हवाले से ठीक भी हैं। तो वो मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, इस्लामिक स्टडी पढ़ा रहा हूँ, उर्दू जो है ना वो उसको बड़ा मतलब कि कोशिश की जाती है कि अच्छे तरीके से उसको पढ़ाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। सबसे बढ़कर मुझे खुशी ये होती है कि मैं अपने मादरे इल्मी की खिदमत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा।